उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निकाय चुनाव को लेकर बयान दिया है। मसूरी में मीडिया में बातचीत करते उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में अभी समय लग सकता है, पहले वोटर लिस्ट का काम पूरा किया जाएगा, अभी सीमांकन की कार्रवाई अंतिम चरण में है, उसके बाद वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी। अग्रवाल ने कहा है कि जल्द से जल्द सरकार चुनाव कराने का प्रयास कर रही है, वहीं मसूरी नगर पालिका में कई अनियमितताएं हैं, जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव का हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि जल्दी हो, लेकिन उससे पहले जो स्थिति है वो समझनी पड़ेगी कि पहले हमने मतदाता सूची को कंप्लीट किया, अभी सीमांकन की कार्रवाई लगभग अंतिम चरण में है, उसके बाद फिर आरक्षण की कार्रवाई होगी, उसके बाद ही हम चुनाव करा पाएंगे। तो जैसी ये स्थिति पूरी होती है तो हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। प्रक्रियाएं हमारी होनी है उसको हम पूरा करेंगे। यदि हम लोग सीमांकन नहीं कर पाए तो आरक्षण नहीं कर सकते, आरक्षण नहीं हो सकता तो आप चुनाव नहीं करा सकते। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं।